नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्म जगत की अनोखी बातें में। रामानंद सागर की रामायण आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। 80 के दशक के इस टीवी शो ने पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की थी। इस सीरियल के किरदारों को निभाने वाले हर कलाकार ने खूब वाहवाही बटोरी थी। इन्हीं में से एक कलाकार अरविंद त्रिवेदी भी थे। अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में रावण का दमदार किरदार निभाया था। दूरदर्शन पर 1987 में शुरू हुए इस सीरियल में रावण की भूमिका ने अरविंद त्रिवेदी को देश और दुनिया भर के दर्शकों का चहेता बना दिया था। अरविंद त्रिवेदी का किरदार इतना दमदार था कि जब भी उनकी आवाज टीवी पर लंकेश के रूप में गूंजती थी तो लगता था कि वास्तविक रूप में रावण ही छोटे पर्दे पर उतर आया है। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव ऐसे होते थे कि मानो वो सच में रावण हो। 8 नवंबर साल 1938 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। उन्होंने भवन कॉलेज बॉम्बे से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार रहे तथा उन्हीं के सानिध्य में अरविंद त्रिवेदी गुजराती नाटक व फिल्मों में काम करने लगे थे। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों से उन्हें गुजराती दर्शकों में पहचान मिली, जहां उन्होंने 40 वर्षों तक योगदान दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है। अरविंद त्रिवेदी को जब पता चला कि रामानंद सागर अपने नए सीरियल रामायण के लिए कास्टिंग कर रहे हैं तो वह गुजरात से मुंबई आ गए ऑडिशन देने के लिए। अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। यह ऑडिशन रामानंद सागर ने खुद लिया था। ऑडिशन लेते वक्त रामानंद सागर को यह एहसास हुआ कि अरविंद त्रिवेदी की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड रावण के किरदार के लिए बिल्कुल सटीक है। अरविंद त्रिवेदी जब ऑडिशन देकर बाहर निकले तो रामानंद सागर ने यह तय किया कि उन्हें रावण की भूमिका दी जाए। आपको बता दें कि रावण के किरदार के लिए सबकी पहली पसंद अमरीश पुरी थे। रावण का किरदार निभाना इतना आसान नहीं था, इसमें ढलने के लिए कड़ी मेहनत लगती थी। रावण बनने के लिए अरविंद त्रिवेदी को 5 घंटे लगते थे। उनका मुकुट ही केवल 10 किलो का हुआ करता था और उस पर उन्हें दूसरे कई आभूषण और भारी भरकम वस्त्र भी पहनने होते थे। रामायण की शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के पास उमरगाम में हुआ करती थी। अरविंद त्रिवेदी हमेशा बॉम्बे से ट्रेन पकड़कर उमरगाम जाया करते थे। कई बार ट्रेन में बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती थी, इसलिए उन्हें खड़े होकर जाना पड़ता था। लेकिन जब धारावाहिक टीवी पर आने लगा तो लोग उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए अपनी सीट दे दिया करते थे और पूछा करते थे कि अब रामायण में आगे क्या होने वाला है। तो अरविंद त्रिवेदी मुस्कुराकर कहा करते थे कि आप इसी प्रकार रामायण देखो, पता चलेगा। अरविंद त्रिवेदी को भले ही रावण के रूप में देश भर में पहचान मिली, लेकिन वो एक राम भक्त और शिव भक्त थे। रावण के किरदार को निभाने के लिए वो रावण के प्रति भी काफी आदर भाव रखते थे। अरविंद त्रिवेदी जब भी शूटिंग पर जाया करते तो पूरा दिन उपवास रखा करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख था कि शूटिंग के समय रावण की भूमिका में उन्हें भगवान राम को उल्टे सीधे शब्द बोलने पड़ते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले वो भगवान राम और शिव जी की पूजा आराधना करते और जब शूटिंग खत्म हो जाती तो कपड़े बदलकर रात को वो अपना उपवास खोलते। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो असल जिंदगी में भी अरुण गोविल को प्रभु ही कहकर पुकारते थे। रामायण के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने एक और टीवी धारावाहिक विक्रम और बेताल में भी काम किया था। यह शो भी छोटे पर्दे पर लंबे समय तक छाया रहा। उन्होंने हिंदी फिल्म पराया धन और आज की ताजा खबर में भी काम किया था। अरविंद त्रिवेदी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने लगे थे तथा साल में कुछ दिन वो अपने गांव भी जाया करते थे। उनके बंगले का नाम अन्नपूर्णा है, जिसके मुख्य द्वार के दोनों स्तंभों पर राम राम लिखा है। इस बंगले की नेम प्लेट पर उन्होंने अरविंद त्रिवेदी के साथ में लंकेश भी लिखा रखा था। अरविंद त्रिवेदी ने गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई गुजराती फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 7 पुरस्कार जीते थे। 1991 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में साबरकंठा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया और 1996 तक वो इस पद पर रहे।
2002 से 2003 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC प्रमुख के रूप में काम किया था। साल 2021 में 82 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबर से पूरी टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस शो से जुड़े कई कलाकारों ने इस खबर को सुनते ही अरविंद त्रिवेदी के जाने का शोक प्रकट किया था। अरुण गोविल, सुनील लहरी और गजेंद्र चौहान ने अरविंद त्रिवेदी को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो दोस्तों, ये थी महान अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।